हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहल्ले के बीच में खोल दी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। बदवासिया 80 फुट रोड पर मोहल्ले के बीच में शराब की एक दुकान खुलने पर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया है। आबकारी व पुलिस विभाग में शिकायत करने के बाद भी जब ये दुकान नहीं हटाई गई तो आज क्षेत्रवासी सड़क पर उतर आए। उन्होंने यहाँ रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया, बाद में पुलिस की समझाइश पर रास्ता खोला गया। दरअसल 80 फुट रोड पर लॉकडाउन खुलने के बाद शराब की एक दुकान खुल गई। दुकान खुलने के पहले दिन से ही यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में दुकान हटाने के लिए पुलिस व आबकारी विभाग में भी गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आज सुबह क्षेत्र में रहने वाले लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने दुकान के आगे रास्ता रोक कर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासी नवरतन शर्मा और धर्मा गहलोत ने बताया कि दुकान से कुछ दूरी पर स्कूल व मंदिर है। लॉकडाउन में छूट मिलने पर जब मंदिर व स्कूल खुलेंगे तो शराब की दुकान के सामने से बच्चे स्कूल व महिलाएं मंदिर जाएंगी, इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शराब की दुकान पर हमेशा शराबियों का जमावड़ा रहता है, वे यहीं पर खड़े होकर शराब पीते हैं, इसके साथ ही यहां गंदगी भी फैलाते हैं। दुकान के पास ही पौश कॉलोनी, ददमती नगर, गणेश नगर सहित कई कॉलोनियां हैं जहां सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सभी लोग इस दुकान का विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।